हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रेट सलवार यानी कि पाकिस्तानी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एक कपड़ा और मैंने इसे 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसे लंबाई बाई फोल्ड किया, उसके बाद इसे अर्ध वाइज फोल्ड किया है और नीचे की तरफ जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है इसे कट कर लेना है। अब हम नीचे की तरफ से इसमें निशान लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, जो खुली हुई साइड है वो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ रखी हुई है। देखिए, इस तरह जो खुली हुई साइड है वो मेरी तरफ है। अब नीचे की तरफ हमें यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये हमारा मार्जिन रहेगा बुकरम के लिए, जो हम मोरी में पट्टी लगाएंगे उसके लिए। तो अब देखें, यहाँ पर जो रेडी लेंथ है सलवार की 39 इंच है। हम यहाँ पे 39 से माइनस 1.5 इंच करेंगे, 1.5 इंच मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद फिर से इसमें प्लस हम 1/2 इंच करेंगे। तो देखें, यहाँ पर जब मैंने रेडी लेंथ लगाई उसमें से मैं 1 इंच माइनस करके यहाँ पर निशान लगा सकती थी। आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं, पर यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग की है। देखें, जो भी निशान हम लगाएं कपड़े पर अपने, वो हमें नीचे की तरफ जो खुली साइड होती है उससे, वहाँ से हमें बंद साइड की तरफ निशान लगाना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है वो हमारा किसी और काम आ जाता है, वो जॉइंट कपड़ा बचेगा। तो देखिए, अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे फिर से निशान लगाना है। देखिए, मैंने इसे 4 फोल्ड में करा था और कॉर्नर साइड से ही मैं इसमें निशान लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारी पे 2.5 इंच पे। और यहाँ पर देखिए, 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर मैंने इंच टेप को इस तरह से रखा और 15 इंच पे निशान लगा लिया। तो ये हमारा आसन के लिए रहेगा। अगर 40+ साइज है तो आप 16 इंच भी ले सकते हैं और फिर यहाँ पर हमने यहाँ इस तरह से कर्व शेप दे देना है। तो देखिए, ये निशान हमारा लग चुका है। अब हमें मोहरी पे निशान लगाना है। तो मोहरी जितनी भी हमारी होती है उसका हमें यहाँ पे 1/2 इंच रखना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 या 1.5 इंच अपनी हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए, ये जो निशान मैंने लगाया है, ये सीधा निशान जो लगा है हमारा, ये लगा है हमारा स्ट्रेट सलवार के लिए। जो पाकिस्तानी सलवार होती है वो और थोड़ी कम होती है, तो उसके लिए निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, आसन की तरफ से हमें यहाँ पर 13 इंच पे निशान लगाना है। अब 13 इंच पे जो हमने निशान लगाया है, इससे आगे आप यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच अपने कपड़े के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो अगर कपड़े का जो अर्ज है वो कम है तो आप यहाँ पर 1 इंच की गोलाई भी दे सकते हैं, 1 इंच के अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, या फिर अगर मार्जिन अच्छा खासा है तो आप 2 इंच भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसे हमें खोल लेना है। अभी ये 4 फोल्ड में है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से खोलने के बाद देखिए, ये 2 फोल्ड में हो जाएगा। अब जो ये वाली साइड है यहाँ पे हमें 1 इंच नीचे की तरफ डाउन दे देना है, इससे जो फ्रंट साइड की फिटिंग है वो अच्छी आ जाती है। और यहाँ पर ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा, तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसमें हमें बेल्ट निकालनी है, यानी इलास्टिक के लिए पट्टी निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारी फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड की क्रॉस साइड की मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमारा बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट कौन सा है, तो इस तरह से आप यहाँ पर फ्रंट और बैक लिख सकते हैं। और ये इधर की साइड पे हमें 1/2 इंच की दूरी पे निशान लगाकर सिलाई लगा लीजिए, अगर आप बिगनर्स हैं। अगर सिलाई लगा सकते हैं तो बिना निशान लगाए भी आप 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। दूसरी साइड को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, डबल सिलाई मैं यहाँ पर भी लगा रही हूँ। दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है। दोनों साइड हमारी यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे मोहरी रेडी करनी है। तो देखिए, 1.5 इंच चौड़ी मैंने ये मोहरी ली है। मोहरी के लिए बुकरम लिया हुआ है, ये पैंट रोल है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर मोहरी के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। इसके 2 भाग हम यहाँ पर कट करेंगे दोनों मोहरियों के लिए। और अब इसे हमें इस तरह से, जो हमने नोच लगाई है वहाँ पे इस तरह से रखना है और इसे इस तरह से फोल्ड करना है। इसके ऊपर हमें इसे पेस्ट कर लेना है। इसी तरह से हमें इसे पेस्ट करना है,
एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया था वो हमारा इस तरह से पेस्ट हुआ है। देखिए अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है जिससे ये अच्छे से बंद हो जाएगा। तो किनारी पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों मोरियाँ मैंने इस तरह से पेस्ट कर ली है यहाँ पे। अब नीचे की तरफ भी हमें किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। और मैंने मोरी में इसी तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं, दो चार सिलाइयाँ लगाकर इसे रेडी कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाकर रेडी किया हुआ है मोरी को। अब यहाँ पर हमें देखिए फ्रंट और बैक दोनों साइड हैं, इस तरह से क्रॉच एरिया को इस तरह से हमें मिला लेना है। पिनअप कर लीजिए, उसके बाद इसके किनारी पे छोटे से नॉच लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे नॉच पहले से लगाई हुई है, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं यहाँ पे चौक लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से अब जो ये नॉच है, जो किनारी वाली साइड है, इसे हमने यहाँ पे देखिए 6 इंच पे, मैंने जो क्रॉच एरिया है वहाँ से मैंने 6 इंच पे निशान लगाया। 5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, 40+ साइज के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ये मैंने यहाँ पे किनारी ली, इस पर मैंने इस तरह से प्लेट डाल दी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें प्लेट डालकर पिनअप कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो सेंटर में जो कपड़ा बच रहा है इसे हमने यहाँ पर पूरा कवर करना है प्लेट डालकर। तो मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेट डालकर इसे कवर कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो कपड़ा है उसकी उसका अर्ज थोड़ा कम है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लेट डाली है। तो ये मेरा जो सेंटर में छोटा हुआ है इसे मैंने फिर घना कर लिया था, इसमें मैंने आगे की तरफ थोड़ी प्लेट बढ़ा ली थी। आप भी अगर इतना ज़्यादा छोट रहा है तो प्लेट को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाकर दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह से प्लेट डाल दी है। अब इसके ऊपर आप इसको सिक्योर करने के लिए अच्छे से सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे सिल दिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया, ये डबल है तो मैंने इसकी नाप लेनी है। देखिए यहाँ पर मेरा ये आ रहा है 23.5 इंच, आपको दिख रहा होगा 23.5 इंच ये आ रहा है हमारा अभी एक साइड पे। इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारा 47 इंच आ जाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर जो कपड़ा कट करना है वो 47 इंच कट करना है बेल्ट के लिए। और अब यहाँ पर देखिए बुकरम मैं कट कर रही हूँ, जो 6 इंच मैंने किनारे पे छोड़ा हुआ था कपड़ा, सेंटर में मैंने किनारे पे सिलाई लगाई थी उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच यानी कि 12 इंच लिया था। तो 12 इंच की मैंने यहाँ पर पेस्टिंग फ्यूजिंग काटी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक हम किस तरह से लेंगे आप कपड़े में देख लीजिए एक बार इंच टेप में। तो 39 इंच हमारी कमर है, इसमें से हमें जो हमें एक्स्ट्रा देखिए जो इलास्टिक होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक करनी है 6 इंच माइनस, मैं हमेशा 6 इंच माइनस करती हूँ। तो ये 33 आ रहा है, 33 यानी कि अब ये जो वाला 6 इंच का जो हमने ये पट्टी कट की हुई है देखिए इस तरह से इसको भी माइनस कर लीजिए, तो ये हमारा 21 इंच आ गया है ना। तो देखिए ये 21 इंच आ गया है। अब यहाँ से हमें 21 में प्लस 1 इंच करना है मार्जिन, जो हमारे इलास्टिक के लिए मार्जिन रहेगा किनारे के दबाव के लिए, वो भी हमें ऐड करना है। तो 21 इंच हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है, सॉरी 22 इंच, हमने 21 में प्लस 1 इंच का अब मार्जिन ऐड किया है तो 22 इंच पे इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमें जब आगे से अब जो बेल्ट है वो लगानी है बुकरम की, तो हमें इलास्टिक इस तरह से लेना होता है। अब यहाँ पर मैंने 47 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा लिया है, देखिए लंबाई में पूरा कपड़ा मैंने लिया है, सेंटर में नॉच लगा ली है। अब यहाँ पर मैं फ्यूजिंग पे भी नॉच लगा लूँगी इस तरह से इसे सेंटर करने के लिए। अब इसके ऊपर हमें इसे पेस्ट कर लेना है, देखिए इस तरह से सेंटर बनाकर हमें इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, इसको सेंटर कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए फिनिशिंग अच्छी आ जाती है अगर फ्यूजिंग आप लगाते हैं इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर बन गया। अब हमें
जो ये वाली साइड है देखिए ये सेंटर में आनी है इस तरह से। पहले रॉन्ग साइड पे हमें इसे स्टिच करना है इस तरह से। ये जो पट्टी है ये हमारी सेंटर में आएगी, तो देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पूरा पूरा हमें इसे इसी तरह से सिलना है और जब तक ये बैक साइड पे आता है वहाँ पे आने तक हमें देखिए इसे यहाँ तक आने तक हमें इसको सिलना है और फिर निकाल देना है धागे से। देखिए इस तरह से दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से फिर सिलाई स्टार्ट करेंगे, कपड़े को पलट लेंगे और इस तरह से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बैक साइड आने पर इस तरह से यहाँ पर भी हम निकाल देंगे धागे को, कपड़े को मशीन से निकाल देंगे। तो देखिए ये मैंने निकाल दिया। अब हमें इस तरह से देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर सीधे सीधे सिलाई लगानी है जिससे ये बंद हो जाएगा। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो ना अंदर की तरफ ले लें और इस तरह से सिलाई लगा लें। कपड़े को बराबर करते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है, तो देखिए फिर इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लग चुकी है फिनिशिंग से। अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है, तो इलास्टिक हम कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पर जो किनारी वाली साइड है मैंने यहाँ पर इलास्टिक को इस तरह से लगाया और एक सिलाई हम इस तरह से ऊपर से इसे बंद करने के लिए लगाएंगे, अटैच करने के लिए लगाएंगे। तो देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक को पूरी बेल्ट में अटैच करना है। यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से कपड़े को सेट करते जाएं और इलास्टिक में सिलाई ना लगे इसका ध्यान दें। और किनारे किनारे पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाती है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है बिगनर्स को। तो देखिए किनारे किनारे पे मैं यहाँ पे सिलाई लगाती जाऊंगी। इस तरह से कपड़े को सेट कीजिए और किनारे पे सिलाई लगाइए। उंगली से आप एक बार हाथ लगाकर देख सकते हैं, उंगली को ऐसे लगाकर देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी इलास्टिक आई है, पता चल जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इलास्टिक को अटैच करना है। थोड़ी दूरी पर इलास्टिक को अटैच करने के बाद इलास्टिक को हमें खींचना होता है। खींचने के बाद जो एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसे आगे की तरफ फिर से लगाना होता है। तो देखिए यहाँ तक मैं इलास्टिक ले आई हूँ, सिलाई लगाते हुए आ चुकी हूँ यहाँ पर तक। अब हमें इलास्टिक को खींचना है। देखिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक जो लगाई है उसमें मेरी इलास्टिक बहुत ही आसानी से आगे की तरफ लगती गई है, बल्कि इसमें इलास्टिक में सिलाई भी नहीं लगी है और मैं जब खींच रही थी इसको तो आसानी से खींच भी गई। तो इसी तरह से आपको भी सिलाई लगानी है। जब इलास्टिक को खींचें तो सुई की जो निडल है, सॉरी मशीन की जो निडल है उसे आप नीचे ही रहने दें और फुट को ऊपर करें और फिर इलास्टिक को खींचें। तो देखिए यहाँ पर इलास्टिक मेरी बिल्कुल अटैच हो चुकी है यहाँ तक। दूसरे छोर पर आने पर फिर से हमें यहाँ पर इलास्टिक को अटैच कर लेना है इस तरह से बुकरम के ऊपर। ये देखिए जो मैंने फ्यूजिंग लगाई थी उसके ऊपर मैं इसको भी अटैच कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अब फिर से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। और इस तरह से यहाँ पर देखिए इलास्टिक अटैच हो चुकी है, बेल्ट और इलास्टिक दोनों ही अटैच हो चुकी हैं। पैंट को इलास्टिक को इस तरह से खींच कर एक बार अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद इसमें सेंटर में सिलाई लगा दें। तो इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर मोहरी हमें लगानी है, तो मोहरी का निशान मैं यहाँ पर 14 इंच है तो 7 इंच पे लगा रही हूँ, उसका डबल करना है। फिर सीधे सीधे हमें इस तरह से स्टिच कर देना है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने यहाँ से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया, आसन तक मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ। फिर दूसरे पौचे से स्टार्ट करूंगी। तो देखिए दूसरे पौचे से फिर से मैं वही उसी तरह से स्टार्ट करूंगी सिलाई लगाना। 7 इंच पे मार्किंग करके मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सलवार बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।